देखिए उदयपुर का नाबालिग छात्र देवराज, 3 दिन तक हम देख रहे हैं कि जिंदगी की जंग लड़ता रहा। डॉक्टर्स जांच कर रहे थे लेकिन बुरी खबर सामने आई। बिल्कुल, और उसके बाद विरोध भी देखने को मिला। क्या कुछ हालात वहां पर इस समय पैदा हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, स्कूल कॉलेज बंद है, पुलिस की टीम तैनात है। रिपोर्ट देखिए। जिसका डर था वही हुआ। उदयपुर का बेटा जिंदगी की जंग हार गया। देवराज अब इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार को रक्षाबंधन के दिन ये दुखद खबर मिली। उदयपुर की एक बहन जिसे अपने भाई को राखी बांधने का इंतजार था, उसे रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर अपने भाई की सलामती चाहिए थी। वो हाथ में राखी और आंखों में उम्मीद लिए वो बस अपने भाई देवराज का इंतजार करती रह गई, और जिहादी जल्लाद अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। उदयपुर का नाबालिग देवराज 3 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा। स्पेशल डॉक्टरों की टीम उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन देवराज की सांसों की डोर आखिर टूट गई। बच्चे की मौत के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। इस बीच प्रशासन ने पूरे इलाके में एहतियातन सभी दुकानें बंद करा दी। दिल्ली गेट पर भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती कर दी गई। इलाके में अभी भी इंटरनेट बंद किया गया है। चेतक चौक पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पिछली बार इसी इलाके में सबसे ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी। चौराहे पर मौजूद मस्जिद के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ग्राउंड पर चाक चौबंद व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। उस वक्त उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं उस बच्चे की मौत के बाद लगातार यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त कर दी गई है। दरअसल अंदर जो है वो बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है, और यहां पर आप देख सकते हैं बैरिकेड से अस्पताल के गेट के बाहर जो है वो लगा दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान पुलिस का यहाँ पर आपको कड़ा पहरा नजर आ रहा होगा। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर तमाम लोग जो है वो भी मौजूद थे। पुलिस ने फिलहाल उन लोगों को यहाँ से जो है वो हटा दिया है, लेकिन अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर, और इस तस्वीर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि प्रदेश में इस जिले में कानून व्यवस्था किसी भी तरह से ना बिगड़े, इस जिम्मेदारी को समझते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यह इंतजाम इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ दिन पहले एक छात्र ने जब देवराज पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, उस दिन सिर्फ देवराज के मरने की अफवाह उड़ गई थी और उदयपुर के कई इलाकों में आगजनी शुरू हो गई। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। कई थानों की पुलिस को तैनात करना पड़ा। उस मंजर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब अलर्ट था। उदयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देवराज की मौत की खबर मिलते ही हिंदू संगठनों के लोग अस्पताल में इकट्ठे होने लगे। हमारी कोशिश है कि बालक जो आज हमारे बीच नहीं है, उसके प्रति समाज की, उदयपुर शहर के लोगों की भावनाएं जो हैं, उन भावनाओं का भी आदर रहे, और उन भावनाओं के साथ उस बच्चे के साथ जो जुड़ना चाह रहे हैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए शहर में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसकी हमने पूरी तैयारी करी है। उदयपुर में अभी भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 जो पहले धारा 144 कहलाती थी वो लागू है। अफवाह ना फैले इसके लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। कई थानों की पुलिस को ग्राउंड पर उतार दिया गया है। रिजर्व पुलिस को स्टैंड बाय में रखा गया है। प्रशासन बार बार पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों से बातचीत कर रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारी भी अलर्ट मोड में हैं। बाजार बंद हैं, पुलिस अलर्ट है, इंटरनेट बंद है, दुकानें बंद हैं, लेकिन अब देवराज वापस नहीं आएगा, क्योंकि देवराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। देवराज हमें एक सबक देकर गया है कि नाबालिगों के बीच चाकूबाजी का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। सावधानी बरती जाती तो शायद देवराज हमारे बीच होता। क्या नफरत की आग ने एक मासूम जिंदगी को जला दिया? इसीलिए जरूरी है सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रशासन जो अब कर रहा है, काश कानून व्यवस्था पर ये काम पहले किया गया होता तो इस तरह की वारदात करने वालों में डर होता और शायद देवराज हमारे बीच होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नफरत की आग के चलते एक मासूम की जान चली गई। पॉइंटर्स के जरिए अब आपको बता देते हैं कि घटनाक्रम क्या रहा था और कैसे ये मामला बढ़ा और कैसे छात्र घायल हुआ। कल शाम 5 बजे देवराज की मौत हो गई। 5 बजे डॉक्टर्स ने बताया मौत की खबर। डॉक्टरों ने घायल छात्र को
मृत घोषित कर दिया था। चाकू से हमला किए जाने की वजह से गंभीर रूप से देवराज घायल हो गया था, जिसके बाद से हॉस्पिटल में भर्ती था। सहयोगी छात्र ने ही चाकू से हमला किया था, स्कूल का ही छात्र बताया जा रहा है, दूसरे स्कूल का जिसने हमला किया था। 16 अगस्त को आपसी कहासुनी में चाकूबाजी, नौबत इतनी बढ़ गई कि चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे दिया गया। हमले में देवराज बुरी तरह से घायल हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और ये तस्वीरें जरा देखिए, उसके परिजनों की रोती बिलखती किस तरीके से हालत में विरोध वो करते दिखाई दिए। 4 दिनों तक देवराज का अस्पताल में इलाज चला, 4 दिनों तक उसका इलाज चला, स्थिर हालत भी बीच में बताई गई थी। इतना ही नहीं, उसके बाद उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ जाती है कि कल शाम 5 बजे उसकी मौत हो जाती है और डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। फिलहाल मामले को देखते हुए शांतिपूर्ण हालात बनाने के लिए पुलिस टीम वहां पर तैनात है। देखिए, हिंदू संगठनों में बहुत ज्यादा रोष है, और हालांकि ये अलग विषय है, लेकिन इस वक्त आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें आपको नजर आएगा कि अस्पताल में इलाज चल रहा था और कई दिनों तक इलाज चलता रहा। और कल बुरी खबर सामने आई, शाम को 5 बजे छात्र की, देवराज की मौत हो गई। अभी पूरे परिवार वालों में भी एक तरफ जहां रोष है, लेकिन आंखें गमगीन है। अभी फिलहाल सोशल मीडिया भी लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है ताकि किसी तरह से स्थिति ना बिगड़े और हालत जो है वो और खराब ना हो। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी फिलहाल जुटी हुई है। लेकिन उदयपुर का नाबालिग देवराज 3 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार हार गया। ये 4 तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहां पर अलर्ट, ज्यादातर दुकान और बाजार बंद की गई है। छात्र की बाद देखिए मौत की बाद उदयपुर में इस वक्त तनाव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर दुकानें और मार्केट जो है वो आज बंद रहने वाले हैं। हालांकि अंतिम संस्कार कितने बजे के करीब किया जाएगा इसकी जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें आप देखिए, जो आसपास के लोग हैं वो गुस्से में है। पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ता हुआ ही नजर आया था। और अब जो परिवार वाले हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर तौर पर सोमवार दोपहर 3 बजे उदयपुर शहर में रक्षाबंधन की रौनक जरूर दिख रही थी और टूरिस्ट की भी अच्छी संख्या थी, लेकिन यहां पर आपको बता रहे हैं शाम को करीब 4:30 बजे स्टूडेंट की मौत की खबर फैलती, अचानक 6 से ज्यादा बाजार बंद हो गए। सड़कें कुछ मिनटों से सुनसान पड़ी रही, बंद पड़ी रही, और अभी भी उदयपुर में तनाव ही है। कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे में अभी फिलहाल आपको बता रहे हैं हम कि एक तरफ जहां प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, लेकिन जिस बच्चे की जान चली गई उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी बीच देखिए, 4 दिन पहले आपको बता रहे 16 अगस्त को उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में घायल स्टूडेंट की कल शाम 5 बजे मौत हो गई। डॉक्टर्स की टीम जो है प्रगति लगातार जांच कर रही थी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन फिर बुरी खबर सामने आई। बिल्कुल महिमा, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, वो तस्वीरें भी लगातार हमने दर्शकों को दिखाई कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। और इस पूरे मामले में, क्योंकि इस आग के बाद जो हिंसा भड़की, उसके बाद जो आग सुलगी, एक मासूम की मौत हो गई जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, और जो परिजनों पर बीत रही होगी शायद वही समझते हैं। और वो तस्वीरें भी बताई जा रही थी। 19 अगस्त की बात करें क्या हुआ था, तो आपको जानकारी दे दें कि 2 बजे करीब रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो बहनों ने इस भाई को राखी भी बांधी और अचानक 5 बजे उसकी तबीयत बिगड़ गई। और देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। भूकंप के झटके महसूस किए गए, एक के बाद एक झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.9 तीव्रता मापी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, खबर मिल रही है। और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। 4 बार भूकंप के तेज झटके, एक के बाद एक 4 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि देखिए, आप देखिए तस्वीरें भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं घर के अंदर की कुछ तस्वीरें, जैसे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लोग अपने घरों से बाहर निकले और सुरक्षित स्थानों पर लोग चले गए। एक के बाद एक 4 झटके यहाँ पर लगे, तीव्रता 4.9 मापी गई। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। बिल्कुल, और सुबह जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, तो सुबह
लोग नींद से उठ गए क्योंकि झटके इतने तेज थे कि वो बाहर निकल आए, घरों से बाहर निकले। हालांकि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। एक के बाद एक चार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने की बात करें तो 4.9 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इतनी तेज ये झटके महसूस किए गए कि लोग घरों से बाहर निकल आए, उनकी नींद खुल गई। और बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर 4.9 तीव्रता मापी गई है।